ये रानी का महल था, रानी ऊपर बैठती थी। ये देखो महल के ऊपर दीवारों पर किस तरह से झाड़ी उगाई है। राजा के समय यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम का जो सारा काम होता था वो इसी बिल्डिंग के अंदर हुआ था। इस महल में एंट्री करने का दूसरा दरवाजा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूँ अलवर के उस जगह पर जहाँ पर एक महल, सिटी पैलेस बोलते हैं, महल की बहुत सारी खासियत है और उन्हीं खासियत को मैं आज दिखाऊंगा। देखो महल का ये सबसे पहला दरवाजा पड़ता है और ऐसे तीन दरवाजे पड़ते हैं जब आप मेन महल में जाते हैं। और उससे पहले आप इधर से देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पर अब प्राइवेट हो गया है, यहाँ पर कुछ लोगों ने कब्जा करके वो रहते हैं, दुकानें बना रखी है दोनों साइड में। महल की इस तरह की हवेलिया टाइप बना रखी है और घरों के इनमें भी कितने अच्छे बने हैं, चार ऊपर चार नीचे। दोस्तों पहला गेट ये है, अगर कोई दुश्मन या फिर जब राजा आता था तो वो इसी रास्ते से आकर अपने महल की तरफ जाता था। और इसमें ना आप देख सकते हैं दोनों तरफ उस साइड भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं, पर्दे वगैरह लगा रखे हैं और इस साइड दुकान वगैरह भी है, परचून की दुकान खोल रखी है। इस गेट को क्रॉस करने के बाद ये एक खुला मैदान आता है यहाँ पर देखिए, और इस मैदान के दोनों तरफ उस साइड भी ये छोटे छोटे महल बने हुए हैं, छोटे छोटे हवेलियां टाइप में, और इस साइड भी हवेलियां बनी हुई हैं। दोस्तों जैसे ही हम गेट के अंदर घुसते हैं तो अंदर घुसने के बाद ये पूरा खाली ऐसा मैदान आता है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया, इस साइड भी और इस साइड भी पुरानी बिल्डिंग ये बनी है जो राजा के खास मंत्री या फिर व्यापारी लोग होते थे वो यहाँ पर रहा करते थे दोनों तरफ। लेकिन आज यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनका शायद इनके पूर्वजों का होगा या फिर कब्जा कर रखा होगा। अभी ये पहला गेट क्रॉस कराया, ऐसे दो गेट और आएंगे वो जरूर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दूसरे गेट की तरफ। तो दोस्तों अब ये महल में एंट्री करने का दूसरा दरवाजा है, यानी कि दूसरा गेट है, शायद आवाज कट गई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस महल में अंदर जाने का ये दूसरा दरवाजा है, कोई भी अनजान शख्स आता था तो वो पहला गेट क्रॉस करने के बाद दूसरा यहाँ पर रुक जाते थे। ठीक इसी जगह सैनिक वगैरह खड़े होते थे यहाँ पे, और आने वाले इंसान से उसकी जो आइडेंटिटी थी उनसे पूछताछ होती थी कि तुम कौन हो और क्यों महल के अंदर जाना चाहते हो। तो ये दूसरा गेट बहुत ही मजबूत बनाया गया है, अभी दिखाता हूँ इसकी मजबूती। ये दरवाजा देखो दोस्तों, ये कितना हैवी लकड़ी और लोहे से मिलकर बनाया है दरवाजा। दोस्तों अलवर की इस महल की मजबूती का अंदाजा आप इसके दरवाजे को देखकर लगा सकते हैं, कितना बड़ा विशाल और मजबूत दरवाजा यहां पर बना रखा है कि आज भी 400 साल हो चुके हैं लेकिन दरवाजा ऐसे का ऐसे ही है। और इस दरवाजे को बनाने का मकसद सिर्फ यही था, ये जो कीले आप देख रहे हैं इतनी मजबूत और 8 या 9 इंच की कीले हैं, ये इसलिए लगाई गई है ताकि अगर कोई हाथी सेना लेकर आता है और हाथी से इन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो लंबी लंबी कीले हैं ये हाथी के सर में आराम से घुस सके और हाथी की मौत हो जाए। ये देखिए, मैं भी इस पर लटक जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब 70-80 किलो वजन है मेरा और उसके बाद में कोई जरा सा फर्क नहीं पड़ रहा, इतने मजबूत और लोहे, ये ना लोहे की पट्टियां लगी हुई है, अगर इसको वैसे तोड़ना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं टूटेगा, जलाना चाह रहे हैं तो वो भी परफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरी लोहे की लगी हुई है। और इतना इतना मतलब अपने साथ इतना सब कुछ लाने के बाद भी अगर ये दरवाजा नहीं तोड़ पाए तो इस किले को फतह करना बहुत ही नामुमकिन है क्योंकि तीन दरवाजे यहाँ से हमें क्रॉस करने पड़ते हैं। मजबूत देखो, मैं पूरी जान लगा के से हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझसे हिल भी नहीं रहा, आज भी इतना मजबूत दरवाजा है। इसके बाद एक और दरवाजा आएगा और दूसरी बात, ये तो थी दूसरी सेना की बात, अगर कोई राजा फतेह करके या फिर अपने वहाँ पे आते हैं अपने दूसरे महल में जाता है तो यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है दोनों तरफ ताकि राजा के स्वागत के लिए फूलों से वर्षा कर सके, मतलब फूलों की बारिश कर सके, ये उसी के लिए बनाई गई है। दोस्तों दूसरा दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद ये पूरा मैदान आता है, यहाँ पर देखिए चारों तरफ से देखिए, ये पूरा खुला मैदान है यहाँ से वहाँ तक और यहाँ पर राजा की सेना होती थी। दोस्तों अगर बाय चांस कोई दूसरे दरवाजे को क्रॉस कर पाता, तोड़ पाता तो उसे गुजरना पड़ता था इस मैदान की सेना से, जो यहाँ पर राजा की सेना हुआ करती थी, उस मैदान में अपने हथियार, भाले, कुंडाल और जो
तलवार उनके साथ यहाँ पर तैयार रहती थी, और उसी की सेना को हराने के लिए फिर एक और दरवाजा वहाँ है। पहले सेना को हराना पड़ता था, और अब मैं इसके बाद आपको तीसरा दरवाजा दिखाऊंगा जिसके बाद आप सीधा महल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ देखिए, ये वाली राजा के समय यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम का तो सारा काम होता था, वो इसी बिल्डिंग के अंदर होता था। अब ये बंद है, क्लोज है, बाकी परला हिस्सा जो है ना वहाँ पर कोर्ट चलती है। दोस्तों ये जो बिल्डिंग है ना, ये अभी मैंने बताया, इसमें राजा के समय रेवेन्यू सिस्टम होता था, मतलब जो लेखा जोखा होता था ना वो इसी बिल्डिंग के अंदर होता था। और आज भी इसमें देखे तो, आज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये बंद है। और देख रहे हो सामने झाड़ियाँ महल के अंदर, कितनी अंदर क्या महल की दीवारों पर झाड़ियाँ आई है, क्योंकि इसका रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता। दोस्तों सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से जैसे बनाया था ये महल, दो दरवाजे क्रॉस करने के बाद और यहाँ की सेना को हराने के बाद अगर फिर भी कोई सेना बच जाती या कोई सैनिक बच जाते तो वो इस दरवाजे को तोड़ना पड़ता था, तब जाकर हम मुख्य महल में प्रवेश करते। और इस दरवाजे को तोड़ना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि जो पहला दरवाज़ा है वो तो वहाँ पर गेट हटा दिए गए हैं, लेकिन दूसरे दरवाजे मैंने दिखाया कितना हैवी और लोहे की कील वाले थे। अब ये तीसरा दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा, ये भी बहुत ही मजबूत दरवाज़ा है। ये पूरा सागौन की लकड़ी का बना हुआ है और लोहे से इसकी ये बना रखी है ताकि इसकी मजबूती बने। और इसकी मोटाई देखिए आप, तकरीबन 1 फीट इसकी मोटाई है। तोड़ने के बाद हम मुख्य महल में एंट्री ले सकते हैं। और जब तक ये काम होता तो जो राजा था वो यहाँ से खुफिया रास्ते के इस्तेमाल से अपना दूसरे महल में, जो कि बाला किला है, वहाँ पर पहुँच जाता। यानी कि राजा हर दृष्टि से यहाँ पर सुरक्षित होता था। फिर दूसरा, इस दरवाजे का इस्तेमाल जब राजा की फतेह के, मतलब कोई भी सेना को हरा कर या फतेह करके आता तो यहाँ से ही गुजरता, यहाँ से ही गुजरता। और ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ, यहाँ पर भी वही सिस्टम, यहाँ पर कनीजे या जो नौकरानी हुआ करती थी राजा की, वो यहाँ से पुष्प वर्षा करती थी, फूलों की वर्षा। देखो यहाँ से देखो, यहाँ पर तीन तीन यहाँ पर खड़ी हो जाती थी, और तीन इस साइड, छह और बाकी नीचे, और यहाँ से चारों, मतलब दोनों तरफ से फूलों की बारिश हुआ करती थी। तब राजा अपने मुख्य महल में यहाँ पर एंट्री लेता, यहाँ पर एंट्री ले लेता तो राजा का सामने महल है, वो बिल्कुल ठीक राजा का महल है और रानी का भी वहीं पर है। इस मैदान का जो इस्तेमाल है वो बहुत तरीके से होता था। दोस्तों इस महल के भी यहाँ से खूबसूरती देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस जो ग्राउंड है इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर किया जाता था। जैसे अलवर में राजपूताना शासन रहा है और यहाँ पर तरह तरह के त्यौहार बनाए जाते थे, तो उन त्यौहारों को और अधिक खुशनुमा बनाने के लिए यहाँ पर संगीत कार्यक्रम हुआ करते थे। तो इसी ग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, इसी ग्राउंड में क्या होता था, नाच गाना होता था और राजा वहाँ पर बैठता था। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है, अभी थोड़ा आगे जाके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर फुहारा चलते था और बीच में पानी भरा रहता था, और सामने जो वो जगह है वहाँ पर राजा बैठा करता था ताकि सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख सके। साइड में उसके जो ये है दो बने हुए मुगलिया वास्तुकला की शैली से जो छतरी बनी हुई है दोनों तरफ, यहाँ पर उसके जो मंत्री होते थे, खास मंत्री या मेहमान, वो बैठा करते थे। और राजा के ठीक ऊपर एक जगह है वहाँ पर, रानी के बैठने की जगह वहीं पर होती थी। रानी भी वहाँ पर बैठकर इस फील्ड में, इस ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम का आनंद अच्छे से लेती थी, और उसकी सखी सहेली भी उसके साथ वहीं पर बैठती थी। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस महल के इतिहास के बारे में बताता हूँ। 1793 में राजा बख्तावर सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। राजा बख्तावर सिंह का मुगलों के साथ अच्छा खासा रिश्ता था, उनसे अच्छी खासी दोस्ती थी, और उसकी झलक इस महल में भी दिखाई देती है। जब आप इस महल के कोने कोने को देखेंगे तो वहाँ पर आपको राजपूताना शैली के साथ साथ मुगलों की शैली भी इस महल में आपको दिखाई देगी। जब आप इस महल में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि इस महल का जो म्यूजियम है वो तीन भागों में बांट रखा है, जिसमें अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक हॉल में राजा और उनसे रिलेटेड सामान जो वो इस्तेमाल किया करते थे, वो जो प्राइवेट में होते थे कोई फंक्शन, वो इसी जगह पर होते थे। यहाँ पर केवल यहाँ पर रानी होती थी, और यहाँ पर राजा, और यहाँ पर उनके फैमिली के मेंबर, और यहीं पर होते थे फैमिली के सारे कार्यक्रम। ये देखिए महल का जो नज़ारा है ना, वाकई में ही अद्भुत है।
1792 में इस महल का निर्माण करवाया गया था। इस महल की जो खूबसूरती है ना, वो खूबसूरती बनी है इन छज्जों से। ये जो राजपूताना शैली के जो छज्जे बनाए जाते थे ना, इन्हीं से इसकी खूबसूरती बनी हुई है। और पूरे महल में ये आप हर खिड़की दरवाजे पर देख सकते हैं। रानी का महल अभी क्लोज है, अंदर से बंद है। यहाँ पर सरकारी दफ्तरों का कब्जा हो रखा है, हर जगह आपको वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो महल का हिस्सा है, ये है कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर। ये आप यहाँ पर देखिए, इस महल पर फिलहाल सरकारी जो दफ्तर है उनका कब्जा है, वही यहाँ पर बैठकर सरकारी काम करते हैं। और दोस्तों, ये अलवर सिटी ना पूरी ऐतिहासिक है। यहाँ पर हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सामने पहाड़ी पर देखिए, वहाँ पर एक चौकी थी जो अब फिलहाल मंदिर में बदल गई है। अब वहाँ पर मंदिर बन गया है और ऊपर जाने के लिए छोटी छोटी बनी है। वहाँ पर भी मैं ज़रूर जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये लाल बलो पत्थर की जो जाली बनी हुई है, ये सिर्फ जनाना हाउस है। यहाँ पर सिर्फ लेडीज रहा करती थी राजघराने की। और ये खिड़कियाँ मतलब जो है ना, जाली इस तरह की है कि सिर्फ अंदर से बाहर देखा जा सके। अगर यहाँ से कोई देखने की कोशिश करता तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर आप तीन देख सकते, एक दो और तीन और लास्ट में चार। महाराजा बख्तावर सिंह ने 1792 और कभी कभी 1793 कहीं कहीं लिखा हुआ है, 1792-93 जो भी मान लो, उस साल में इस महल का निर्माण महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था, जो आज भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अगर थोड़ी बहुत भी इस पर सरकार ध्यान दे, रख रखाव करे, तो ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट पैलेस बन सकता है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस महल पर फिलहाल सरकारी जो ऑफिस है उनका कब्जा है। अब ये जो जगह है, यहाँ पर क्या होता था, सेना के जो घोड़े होते थे कभी वो यहाँ पर बांधे जाते थे, यानी कि एक तरह से अस्तबल हुआ करता था सैनिकों का। अब यहाँ पर क्या है कि सरकारी जो अधिकारी है उनकी कार वगैरह यहाँ पर खड़ी होती है। ये पार्किंग बना दी गई है। ये जो देखिए, यहाँ पर बाहर लिखा भी हुआ है इनके गेट पर कहाँ पर किसकी गाड़ी खड़ी होगी, इनके हर एक गेट पर लिखा हुआ है। दोस्तों, वहाँ पे मैंने अभी दिखाया महल का वो हिस्सा जहाँ पर फिलहाल पार्किंग बना दी गई है, और ये तोप उसी ज़माने की है जो दोनों गेट पर लगी हुई है। यहाँ पर पुलिस का कब्जा है, महल के हिस्से पर पुलिस अधिकारियों के ऑफिसेज हैं। यहाँ पर आप आगे आकर देखिए, थोड़ा सा आगे आइए और देखिए, ये कमरे जो बनाए गए थे राजा के द्वारा, ये जो कमरे बनाए गए थे राजा के द्वारा, ये इसलिए बनाए गए थे जो सैनिक होते थे महल की सुरक्षा में, जो सैनिक लगे थे उनके परिवार इन्हीं कमरों में रहा करते थे जो ऊपर बने हुए हैं। सैकड़ों यहाँ पर आप कमरे देख सकते हैं, वहाँ से और बिल्कुल वहाँ तक। आजकल यहाँ पर पुलिस बैठते हैं और वहाँ पर कोर्ट कचहरी लगती है। तो दोस्तों, इस महल का मैंने हर एक चीज़ आपको दिखा दी है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट और कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी। और ये भी बताना दोस्तों कि इस महल में आप क्या आना चाहेंगे या नहीं। और दूसरा, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग घर बैठे मोबाइल में इस तरह की ऐतिहासिक चीज़ें देख सकें।